ये है रास्ता और ये जा रहा है जंगल की तरफ, जहाँ की हम जा रहे हैं कोई जड़ी बूटी लेने, जड़ी बूटी बोलेंगे। तो मैं लेने जा रही हूँ आज च्यों, और च्यों जो है हमारी गढ़वाली भाषा में होता है च्यों, वैसे वो है जंगली मशरूम। तो अभी जो है मैं निकल रही हूँ घर से और आपको भी दिखाऊंगी कैसे कैसे च्यों हम ढूंढेंगे, हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो वो सब आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। ओ देवा और यहाँ हम चौं लेने आए थे, तब तक हमें जो है मेरे मायके से नानी और बोले वो छू गया भाई छू गया नाई नमस्ते ठीक है। और एक भाई वो छुप गया है, वो देखो मेरा कहाँ चौं हम तो खेर बोल गए हो मिले चौं स्कूटी वाला। अच्छा उठाओ उठाओ बढ़िया, वो देखो वो भी हो रहा है। देखो यहाँ पे नानी चौं ढूंढ रही है, ये मिला नानी को है, ओ मिल गया चौं मिल गया, रुको 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 रुको, अरे यार तू उन्होंने खड़ा ले पहले। हेलो ब्रदर, और ये कैमरे से दूर भाग रहा था। तो यहाँ पे हम चौं लेने जा रहे थे, तो इसी बीच जो है रास्ते में नानी मिल गई हमें मेरे मायके से, मतलब मेरी नानी की जेठानी जी, तो मेरी नानी हुई, तो वो भी मिल गए और वो भी च्यों ढूंढ रहे हैं और इनको देखते कितने। तो ये देखो ये है नानी के च्यों, ये देखो नानी के च्यों, नानी के च्यों। अच्छा तो अब हमें निकल रहे हैं, तो अब चलते हैं हम, चलो यही है ना रास्ता। हाँ ये चलो हर चीज बैलों के सिंग देखो, ओह माय गॉड इसके सिंग इतने बड़े हो रहे हैं। अब चाहे जिंदगी, और अब यहाँ से ना नीचे से तो पक्की रोड थी, लेकिन अब जो है यहाँ रास्ता बिल्कुल खराब है। और वो देखिए दोस्तों वहाँ पर कुछ लोग च्यों ढूंढ रहे हैं, आपको दिख नहीं पा रहा होगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, अपनी गाड़ी लगा दी है, अब जो है हम सब फटाफट से अपने च्यों ढूंढने के लिए चल जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं च्यों ढूंढते हैं। तो गाइस अब हम जो है च्यों ढूंढते हैं, और यह है पूरा जंगल, ये है पूरा जंगल, और यहाँ अब हमें पलट पलट के यहाँ हमें मतलब पेड़ों के नीचे पत्तों के नीचे देखना पड़ेगा, अच्छे से ढूंढना पड़ेगा। ये देखो हाँ हाँ, और यहाँ पर भाई ढूंढ रहा है, ये देखो इस तरह से ढूंढते हैं, और वहाँ पर नानी जी ढूंढ रही हैं। तो ये देखो शुरुआत हो गई है, और मुझे इतना छोटा सा का बटन मिल गया है च्यों का, ये देखो गाइस ये है छोटा सा बटन च्यों का, ये निकाल देती हूँ। और यहाँ पर भी हैं छोटे छोटे बटन मिल रहे हैं मुझे, तो ये ऐसे निकालने पड़ते हैं इनको, ऐसे नीचे से लेके पूरा ऊपर तक, ये इस तरह से बारीकी करके ढूंढना पड़ता है, ध्यान से ढूंढना पड़ता है पेड़, बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, ये बहुत मुश्किल काम है, ये आप देख ही सकते हो हमें कितना भटकना पड़ रहा है। और दूसरी बात, इस बार च्यों भी बहुत कम हो रखे हैं, मिल नहीं रहे हैं, मतलब ये देखिए एक ये मिला बड़ी मुश्किल के बाद, और एक ये मिला बहुत देर के बाद। ओहो ये गला हुआ है, पर दूसरा वाला गला हुआ है, एक ये मिला खराब हो गए हैं, ये देखो ये देखिए दोस्तों इस तरह से इनको निकालना पड़ता है, और ऐसे छुपे हुए रहते हैं पत्तों के नीचे, ये देखो जड़ से निकालना पड़ता है। तो गाइस बहुत घूम गए बहुत ज़्यादा, तो च्यों इस बार बहुत कम हो रखे हैं, अभी तो मतलब निकले नहीं हैं, और हमारे थकाई से बहुत बुरे हाल हो गए हैं, तो अब हम निकलते हैं सीधे घर। तो ये रही हमारी आज की मेहनत, मतलब मेरी मेहनत ये है, और ये है नानी की मेहनत, तुम्हें ये देखो जुदा है
सिर्फ तेरे चौंका है तो ये होते हैं चौंक। ये छुरू बड़ो परेशान कर रही हूँ चौन। ये देखो ये है फूल इनके चौं। ये तुम्हारे चौंका है? अरे बस तुम्हें यही मिले? कैसा एक्सपीरियंस रहा चौं लाने का? अरे बहुत ही बेकार। अच्छा है, मजा आया, बहुत मजा आया। मजा आया। और चौं कहाँ है फिर? चौं ये है लेकिन घूमने तो मजा आया कम से कम। इतने टाइम बाद जंगल आए हैं, इतना मजा एंजॉय किया है, नेचुरल ब्यूटी है। तो गाइस आज का जो है बहुत हो गया है चलना फिरना और थकाई बहुत ज़्यादा लग गई। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और ले जाते हैं चौं घर में। वैसे तो शर्म मारी क्योंकि चौं मिले नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, मिले नहीं है, घूमे तो काफ़ी हैं लेकिन मिले नहीं है। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। क्या है ये दिखाओ? अच्छा। कहाँ होती है? जंगलों में होती है? आप लोग बनाते हैं इसकी सब्जी? ये तो इंडियन लोग सब खाते हैं। हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं इसको। इंडियन लोग ये देखिए क्या नई नई सब्जियां जंगल में मिल रही हैं। और ये पूज होता है ऐसे है ना? हाँ। फिर ये तो नहीं टेम है, ये पूज होता है, ये तो नहीं टेम है ना, ये आवाज मारेगा देखना, ये ऐसे देखना, ये आवाज। अच्छा आवाज नहीं मारेगा तो ढूंढना नहीं। तो आप कैसे बनाते हो इसको? कैसे बनाते हो? ये ना पानी में अच्छा उसे धोएंगे ना, फिर उबाल थोड़ा करेंगे ना, उबालना उबाल करेंगे ना, फिर सब्जी में तेल में फोरन करना है, तेल में फ्राई करना है, मतलब और कुछ भी डालना है इसमें? टाइम कितना बार उसका मीट के साथ ही अच्छा होता है, मीट के साथ ही अच्छा होता है, वो बकरा मीट है ना। हाँ बकरा मीट। तो गाइस अभी हम जो आए थे यहाँ पर चौं लेने, लेकिन आज हमें एक और बात पता चली है कि एक और सब्जी होती है जंगल में, जो कि हम इन आंटी से पूछ रहे हैं कि क्या होती है। ये आंटी ने हमें बताया है। तो क्या नाम होता है? इसको हमको चूहा बोलता है, चूहा। ये जो पूछ जैसे होता नहीं। हाँ। ये देखो ये आंटी चौं के साथ, इनको एक और जड़ी बूटी मिल गई है। बाय बाय। बाय।